हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग ग्राफिकल मोड के द्वारा और कमांड लाइन के द्वारा कैसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन यूज की हुई है और इस वर्चुअल मशीन का नेम है RHEL 7 सर्वर। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी RHEL 7 को इंस्टॉल किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये वही यूजर है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर इंस्टॉलेशन के टाइम पर क्रिएट किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस मशीन पर रूट यूजर से लॉगिन करने के लिए नॉट लिस्टेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले यूजर नेम डालिए और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग यूजर का पासवर्ड डालेंगे जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पर यूज किया था या असाइन किया था, और साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। साइन इन पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका यूजर लॉगिन हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रूट यूजर जो है वो लॉगिन हो चुका है आपकी मशीन पर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है वो जस्ट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स पर ही बनाई है। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्वर्स की वीडियो बनाने लग जाएंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, जब तक कि आपको सभी को लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको कुछ टाइम पहले पिछली वीडियो में बताया था कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग दो टाइप के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट यूज करते हैं। फर्स्ट होता है जीनोम, जीनोम स्टैंड्स फॉर GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट, और सेकेंड होता है KDE, बोले तो के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। तो ये दो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट हम लोग यूज करते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जब भी हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो हम लोग कमांड के द्वारा करें या फिर ग्राफिकल के द्वारा करें, तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट जीनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इंस्टॉल होता है। और दोस्तों, जीनोम के अंदर आप देख सकते हैं ये जो टास्क बार है ये आपका टॉप पर आया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के में कंपैरिजन करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ये मैंने अपनी बेस मशीन के अंदर विंडोज 8.1 इंस्टॉल किया हुआ है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टास्क बार जो होता है वो बॉटम पे होता है। टास्क बार में ही डेट एंड टाइम आता है, वॉल्यूम ऑप्शन आता है, नेटवर्क ऑप्शन आता है, और ये बहुत सारे स्टार्ट मेन्यू वगैरह आते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टास्क बार जो होता है वो टॉप पर होता है, क्योंकि ये जीनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है। लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफॉल्ट केवल सिंगल ही डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होता है, वो होता है KDE। लेकिन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है जीनोम। जीनोम और KDE के अंदर ये डिफरेंस है कि KDE के अंदर
टास्क बार जो होता है वो बॉटम पर होता है, लेकिन जीनोम के अंदर टास्क बार जो होता है वो टॉप पर होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम पर आपने रूट यूजर से लॉगिन किया हुआ है, चाहे तो आप इसको यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं यानी कि लॉक कर सकते हैं, या मशीन को पावर ऑफ कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। के साथ साथ चाहे तो आप यहाँ पर रूट यूजर की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहां से आप अपनी मशीन का डेट एंड टाइम वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहां से नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को भी चेंज कर सकते हो आप लोग, वॉल्यूम को भी कम या ज्यादा कर सकते हो यहां से देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चाहे तो यहां से साउंड की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद ये आता है जीनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का स्टार्ट मेन्यू। यहाँ से आप जो भी ऑप्शंस यूज करना चाहें तो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। देखो दोस्तों, यहीं पर आप देख सकते हैं जिस तरह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफॉल्ट ब्राउजर जो होता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, लेकिन दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर जो होता है वो मोजिला फायरफॉक्स होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं और फॉर फायरफॉक्स को आप यूज भी कर सकते हैं। के साथ साथ यहीं से ही आप प्लेसेस के अंदर होम, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक म्यूजिक वीडियो, पिक्चर वगैरह और माय कंप्यूटर वगैरह भी यूज कर सकते हो। सेकंड थिंग, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग माय डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो होम का ऑप्शन आपको दिखा रहा है ये है लाइका माय डॉक्यूमेंट्स, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर करंट यूजर की इंफॉर्मेशन सेव होती है, माई डॉक्यूमेंट्स लाइक पिक्चर, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, पब्लिक और टेम्पलेट्स वगैरह। इसके बाद ट्रेस, ट्रेस लाइक अ रिसाइकल बिन ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों। ये आपके एक जीनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो दोस्तों इस जीनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग एक ही टाइम पर 6 यूजर से लॉगिन कर सकते हैं। वो कैसे कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाना चाहूंगा आपको। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप लोग देखते हैं कि हम लोग एक टाइम पर केवल सिंगल यूजर से ही लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सेकंड यूजर से लॉगिन करना होता है अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो आपको फर्स्ट यूजर से या तो लॉग ऑफ करना पड़ता है या फिर स्विच यूजर करना पड़ता है, तब आप सेकंड यूजर से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग एक ही टाइम पर 6 यूजर से लॉगिन कर सकते हैं विदाउट एनी लॉग ऑफ। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर एक पिक्चर की हेल्प लूंगा आपके सामने। ये देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं वी कैन लॉग इन 6 यूजर्स एट ए टाइम इन RHEL 7। वो हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखिए जरा। दोस्तों फर्स्ट यूजर को हम लोग ग्राफिकल मोड के द्वारा लॉग इन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने यहां पर लॉग इन किया हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉग इन हो गया। इसके बाद अगर आप सेकंड यूजर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ यूजर को लॉगिन करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हम लोग टर्मिनल्स यूज करते हैं। टर्मिनल्स जिसे हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से भी जानते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसे हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। तो टर्मिनल के द्वारा आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स यूजर को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको टर्मिनल एक्सेस करना है तो डियर इसके लिए आपको ये 3 कीज का कॉम्बिनेशन प्रेस करना होता है। जैसे कि अगर आपको फर्स्ट टर्मिनल पर जाना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट के साथ F2 की प्रेस करनी पड़ती है। इसी तरह सेकंड टर्मिनल के लिए कंट्रोल ऑल्ट के साथ F3, F4, F5 एंड F6, ये आप 3 कीज का कॉम्बिनेशन प्रेस करते हो। टर्मिनल के बाद अगर आपको वापस ग्राफिकल मोड में आना होता है तो उसके लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट के साथ F1 की प्रेस करनी होती है। तो मैं यहां पर
इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर मैं पॉज करता हूं या स्टॉप करता हूं। इन टर्मिनल्स को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं इन कीज के द्वारा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे।